हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी का नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम टैक्सोनॉमी का, नेक्स्ट में हम करेंगे भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष ब्लूम टैक्सोनॉमी के, ठीक है। उससे पहले चैनल का लोगो चेंज हो रहा है और ये था हमारा पुराने वाला लोगो और ये आप सामने देख रहे हो नया लोगो। तो जो चैनल पर नया लोगो दिखाई देगा वो ये वाला होगा और ये वाला हमारा पुराना है। तो कैसा लगा आपको नया चैनल का लोगो कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या ये चेंज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर देना, ठीक है। चलिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नेक्स्ट जो दूसरा पक्ष था, सेकंड पक्ष, जिसका नाम है भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य या फिर भावात्मक पक्ष। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सेकंड भावात्मक क्षेत्र या फिर भावात्मक पक्ष, इमोशनल डोमेन इसको कहेंगे या फिर अफेक्टिव डोमेन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सेकंड डोमेन है ये फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है डोमेन, ठीक है। भावात्मक उद्देश्यों का संबंध विद्यार्थी की रुचि अभिरुचि तथा मूल्यों के साथ होता है। ब्लूम, कृतवाल और मासिया ने भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। जो फर्स्ट था ज्ञानात्मक पक्ष, उसमें कौन इन्वॉल्व थे, उसमें थे ब्लूम। सिर्फ ब्लूम ने अपने ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में अपने व्यूज़ दिए, अपने विचार दिए हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसमें थे ब्लूम, कृतवाल और मासिया, ठीक है। तीन व्यक्ति थे इसमें और तीनों ने मिलकर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से हैं, नेक्स्ट जो हमारा भावात्मक उद्देश्य का या फिर भावात्मक पक्ष का फर्स्ट पॉइंट है वो है ग्रहण करना। ग्रहण करना भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का प्रारंभिक वर्ग है। ग्रहण करने का अर्थ होता है विद्यार्थियों में ग्रहण करने की इच्छा। इसका सीधा संबंध विद्यार्थियों की संवेदना से होता है, जो किसी कार्य या फिर उद्दीपन से उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है और किसी बच्चे को कोई टीचर पसंद आ जाता है या फिर अपनी फैमिली में कोई मेंबर पसंद आ जाता है, उसका व्यवहार करने का तरीका पसंद आ जाता है, तो उस व्यवहार को बच्चा ग्रहण करने की कोशिश करता है। उसी की तरह जो भी एक्टिविटीज़ जो सामने वाला बंदा करेगा उसको अपना एक आइडल मान लेता है कि मुझे ये व्यक्ति पसंद है और मुझे इसी की तरह एक्टिविटीज़ करनी है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत नकल करते हैं किसी टीचर्स की, किसी कोई टीचर अगर बच्चे को पसंद आता है, मेनली लेडीज़ टीचर की बहुत ज़्यादा बच्चे नकल करते हैं। जो छोटी बच्चे होते हैं, छोटी लड़कियाँ होती हैं, साड़ी पहनेंगी और जैसे टीचर क्लास में आने के बाद बिहेव करता है, अटेंडेंस वगैरह लेता है, बच्चों से सवाल पूछता है, तो ऐसी बिल्कुल सारी की सारी जो उनकी एक्टिविटीज़ होंगी वो घर पर आकर उनको कॉपी करेंगे, ठीक है। कोई टीचर ही क्लास में अगर किसी बच्चे को पसंद आ जाती है तो क्या करते हैं बच्चे घर पर आकर उनकी नकल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो उनको पसंद है। उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके बात करने का तरीका, उनकी ड्रेसिंग सेंस, वो उनको पसंद आ जाती है और उन्हीं को बच्चे ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष का पहला ही पॉइंट है ग्रहण करना, बच्चे नकल करते हैं अपने आइडल की, ठीक है। उसके बाद अनुक्रिया, ग्रहण करना अनुक्रिया की पहली आवश्यकता है। जब कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को या फिर किसी व्यक्ति की एक्टिविटीज़ को ग्रहण करेगा तो उसी के तरह क्रिया करेगा, उसी की तरह एक्टिविटीज़ करेगा। कि कोई चीज़ उसको पसंद आ गई, किसी का बिहेवियर उसको पसंद आ गया, तो उसी की तरह रिएक्ट करेगा। छोटे बच्चे घर पर आकर बिल्कुल सेम रिएक्ट करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है अनुक्रिया। जो बच्चे ने ग्रहण किया है उसी की तरह सेम क्रिया करेंगे, ठीक है। जब कोई बच्चा किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार को ग्रहण करता है तो उसकी ओर ध्यान देता है तो उसके प्रति अनुक्रिया अवश्य प्रकट करता है। जो उसने ग्रहण किया, तो कोई विचार, कोई बात उसको अच्छी लगी है या कोई व्यक्ति उसको अच्छा लगा है तो उसकी ही तरह बिल्कुल सेम उसी की तरह बात करेंगे, उसी की तरह एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, आज्ञा पालन करना, उत्तर देना, पढ़ना लिखना, विचार विमर्श करना, सभी इस क्रिया व्यवहार द्वारा उसकी अनुक्रिया व्यक्त होती है। तो जो बच्चे ने ग्रहण किया है, जो बच्चे को पसंद आया है, उसने ग्रहण की हैं वो चीज़ें, वो क्या करेंगे फिर उन्हीं की तरह एक्टिविटीज़ वो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट होगा अनुक्रिया। उसके बाद अनुक्रिया होने के बाद अनुमूल्यन आएगा, ये तीसरा
पॉइंट है इसका। इसके लिए ग्रहण और अनुक्रिया अत्यंत आवश्यक है। बच्चे ने चीज़ ग्रहण की है और जो बच्चे ने चीज़ ग्रहण की है, जो एक्टिविटीज़ बच्चे ने ग्रहण की है जिसको आइडल मानकर, उसकी क्रिया करेंगे और फिर क्या करेंगे, उनके जो मूल्य हैं, जो हैबिट्स उनको पसंद आ गई हैं वो अपने व्यवहार में ढालेंगे, या फिर जो उनको आदतें अच्छी लगी हैं उनको अपने व्यवहार में ढालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए ग्रहण और अनुक्रिया अत्यंत आवश्यक है। यह ग्रहण और अनुक्रिया पर निर्भर करता है। इसमें किसी वस्तु क्रिया व्यवहार का महत्व शामिल होता है। और इसके भी कितने स्तर हैं, इसके भी 3 स्तर हैं। ठीक है, पहला है मूल्य की स्वीकृति, मूल्य की प्राथमिकता और मूल्य के प्रति समर्पण। तो मूल्य बच्चे में कहाँ से आए हैं, जो किसी को आइडल माना है उसने, कोई टीचर उसको पसंद आ गया, कोई व्यक्ति उसको पसंद आ गया, कोई हीरो हीरोइन है, जैसे कोई बच्चा मूवी देखता है, कार्टून्स वगैरह देखते हैं, तो जो करैक्टर उनको पसंद आते हैं उनको पहले वो देखते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हीं की तरह फिर वो रिएक्ट करते हैं, और जो चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद आती हैं, कोई मूल्य या फिर कोई उनकी कोई अच्छी आदत, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, करते चले जाएंगे। ठीक है, और कहीं पर अगर उनको ऐसा माहौल मिला कि उन्होंने जो चीज़ें सीखी हैं, जो एक्टिविटीज़ उनसे सीखी हैं, कोई अच्छा काम अगर उन्होंने सीखा, दूसरों की हेल्प करना है, किसी से सीख लिया है, तो अगर उनको ऐसा माहौल मिलेगा कि दूसरों की वो हेल्प करेंगे, तो उसी की तरह वो रिएक्ट करेंगे जिस व्यक्ति को उन्होंने आइडल माना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा है और उसने अपने आइडल को, उसका कोई आइडल है जो उसको पसंद आता है, तो वो है हेल्पिंग नेचर, तो वो भी क्या करेगा, दूसरों की हेल्प करेगा, क्योंकि उसको जो व्यक्ति पसंद है वो दूसरों की हेल्प करता है, तो वो बच्चा भी उसी की तरह रिएक्ट करेगा, क्रिया करेगा। ठीक है, तो उसमें कौन सा मूल्य आ जाएगा, दूसरों की हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर उसमें डेवलप हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति उसको देखेंगे और दूसरे व्यक्ति उसको बोलेंगे कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये आपको सूट करता है या फिर आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, तो उसमें क्या होगा, एक मोटिवेशन उसको मिलेगा कि ठीक है, मुझे दूसरे व्यक्ति पसंद कर रहे हैं कि मैं दूसरे व्यक्तियों की हेल्प करता हूँ, तो उससे क्या होगा, वो उस काम को लगातार करता चला जाएगा। ठीक है, तो व्यवस्था में उसके जो मूल्य हैं, उसके जो अंदर जो मूल्य आ गए हैं, उनको वो लगातार करता चला जाएगा, एक व्यवस्था में एक क्रमबद्ध तरीके से उसको करता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विशेषीकरण। यह भावात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च उद्देश्य है। इस स्तर तक पहुंचते पहुंचते रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, मूल्य और मूल्यों का समूह अनुभव कर चुका होता है। मतलब जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, किसी को आइडल मान चुका है, उसकी आदतों को उसने देखा है, ग्रहण किया है, उसी की तरह वो क्रिया करेगा, फिर उस व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं उसमें जो अच्छी बातें उसको लगी, उसके जो वैल्यू हैं, जो मूल्य हैं, उसने ग्रहण किए और फिर उसने लगातार वो करता चला गया। तो जैसे जैसे एक मूल्य को, एक अच्छी आदत को वो करता चले जाएगा, उसके बाद वो दूसरी आदत को वो ऐसे ही कंटिन्यू रखेगा, दूसरे उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको मोटिवेशन मिलेगा, वो उस चीज़ को करता चला जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अच्छा काम करना, दूसरों की हेल्प करना उसका एक नेचर बन जाएगा, उसकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, और वो अपनी रियल लाइफ में उसको कब धारण कर लेगा, कब उसका एक पर्सनैलिटी बन जाएगी दूसरों की हेल्प करना, ये होता है विशेषीकरण। ठीक है, अपनी रियल लाइफ में उस चीज़ को धारण कर लेना, एक विशेष जो पर्सनैलिटी होती है उस बंदे की बन जाएगी। ठीक है, इसके भी 2 स्तर हैं, पहला है सामान्यीकृत समुच्चय और दूसरा है विशेषीकरण। भावात्मक पक्ष में क्या होता है, बच्चे की या फिर व्यक्ति के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो बच्चा फील करता है, जो व्यक्ति फील करता है, उसको अपनी लाइफ में धारण कर लेता है, उसी की तरह वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद एक क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या होंगे, मनोशारीरिक उद्देश्य का निर्माण सिप्सन ने 1969 में किया था। ठीक है, ब्लूम भी साथ में थे और सिप्सन ने भी इसको साथ में किया था, और इन्होंने ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष पर बल देते हुए निम्न बिंदुओं पर बल दिया है और 6 स्तर इसके बताए हैं। ठीक है, एक सुनीता हैरो है, उन्होंने इसको जब रिवाइज्ड हुई थी ब्लूम टैक्सोनॉमी, आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे उनका जिक्र आएगा, वो आएगा रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में। ठीक है, अभी जो आप पढ़ रहे हो उसमें सिर्फ सिप्सन का ही नाम आएगा। तो इनका क्या क्या पॉइंट्स हैं क्रियात्मक के, वो देखते हैं। फर्स्ट है उद्दीपन।
फर्स्ट है हमारा पॉइंट इसमें उद्दीपन, स्टिमुलेशन क्या होगा। उद्दीपन का अर्थ है कुछ ऐसी वस्तु जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसके बाद हम उसे देखकर क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। हमने कुछ देखी, हमें वो चीज़ अच्छी लगी, फिर हम उसके प्रति क्या अनुक्रिया करते हैं, हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है, उसको हम कहेंगे उद्दीपन। फॉर एग्जाम्पल, भूख लगने पर खाने की तरफ हम क्रिया करते हैं, इस एग्जाम्पल में भूख उद्दीपन है और क्रिया करने के लिए उत्तेजित हमें कर रही है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी देख सकते हो कि आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, आपके सामने कोई ऐसी डिश आ गई जो बहुत ही आसान है और उसको आप घर पर बना सकते हो, तो क्या होगा कि आप उसके प्रति आकर्षित हुए हो और उसको बनाने के लिए उत्तेजित हो कि हाँ मैं भी इसको बना सकता हूँ या फिर बना सकती हूँ, तो आप क्या करोगे, आप उसको बनाने के लिए प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, वो आगे पॉइंट में मिलेगा आपको। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कार्य करना, ये एक दूसरे पर बेस्ड है सारे के सारे। सेकंड है कार्य करना, इस स्तर में जिस वस्तु या फिर क्रिया के प्रति कोई बच्चा आकर्षित होता है तो उस क्रिया को करना शुरू कर देता है। जैसे इसमें क्या था, उद्दीपन, किसी चीज़ के प्रति हम आकर्षित हुए हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ के प्रति जब हम आकर्षित होते हैं तो उस चीज़ को करना हम स्टार्ट कर देते हैं। हमने वीडियो देखी, हमें कोई डिश पसंद आ गई, उसमें लिखा था आसानी से आप इसको घर में बना सकते हो, फिर हमने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका आएगा सेकेंड पॉइंट, उद्दीपन में आप आकर्षित हुए हो, आपको लगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, और सेकेंड में आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक है, कार्य उसको आप करते हो, लेकिन उस काम को आप इतने अच्छे तरीके से नहीं करते जितने अच्छे तरीके से वीडियो में बताया गया है या फिर दूसरे कर लेते हैं, तो आप क्या करोगे, वो काम क्या होगा, पहले थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा सा बुरा होगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, आप फर्स्ट टाइम उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट टाइम उस चीज़ को बना रहे हो, तो फर्स्ट टाइम जब आप किसी चीज़ को बनाओगे, खाना ही बनाओगे किसी चीज़ को देखकर, किसी वीडियो को देखकर, तो आपसे इतना अच्छा नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, वो बनेगा आपके अभ्यास से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नियंत्रण, कंट्रोल। इस स्तर में विद्यार्थी क्रिया पर नियंत्रण करने का रखने का प्रयास करता है। देखिए, फर्स्ट क्या था, किसी चीज़ के प्रति आप आकर्षित हुए, दूसरे में आप उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो गए, आपने वो काम किया, लेकिन वो काम अच्छे तरीके से नहीं हुआ, आपने कुछ गड़बड़ की, कुछ गलतियाँ की। लेकिन तीसरे स्तर में क्या आएगा, जब आप काम को लगातार करते चले जाओगे, आपने सोच लिया नहीं मुझे तो ये डिश बनानी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं ऐसे ही डिश बनाऊंगा बिल्कुल जैसी है, तो क्या करोगे, आप उस चीज़ को, उस डिश को लगातार बनाते जाओगे, प्रैक्टिस आप उस चीज़ की करोगे उस डिश को बनाने के लिए, तो क्या करोगे आप, उस जो कमियाँ उस टाइम पर आपकी थी, कमियां ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस से क्या होता है, जो भी आपकी कमियां होती हैं, जो भी आपने गलतियां की हैं, वो रिमूव हो जाती हैं, और आप उस चीज़ को बनाने में या फिर आप उस चीज़ को, उस काम को करने में माहिर हो जाते हो, और आपका कंट्रोल हो जाता है उस काम को करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे, लड़के क्या है, बाइक चलाते हैं, स्टार्टिंग में छोटे होते हैं तो बाइक देखते हैं और उनका भी मन करता है बाइक चलाने का, तो वो क्या हो गया, उद्दीपन हो गया, दूसरा उसको चलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कार्य करना। लेकिन उस जब फर्स्ट टाइम बाइक को चलाते हैं तो वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं चला पाते जैसे बड़े चलाते हैं, क्या करेंगे, बाइक को चलाएंगे, पता नहीं गियर कहाँ पर डालना है, कौन सा क्या पार्ट कहाँ पर है, कैसे चलाना है, गिरेंगे भी पड़ेंगे भी, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, प्रैक्टिस करते जाएंगे और बाइक पर कंट्रोल हो जाएगा। कैसे हुआ वो कंट्रोल, आपके प्रैक्टिस से हुआ है। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट आएगा ये आपका आएगा कंट्रोल, किसी चीज़ को आप करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल उस चीज़ पर हो जाएगा और जो आपकी गलतियाँ हैं वो गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है समन्वय। इस स्तर में एक से अधिक क्रिया को विद्यार्थी एक साथ कर लेता है। अब देखिए, पहले तो क्या हुआ, आप आकर्षित हुए इस चीज़ के प्रति, फिर आपने काम किया, फिर आपसे गलतियां हुई, फिर गलतियों को ख़त्म करने के लिए आपने प्रैक्टिस की, गलतियां भी ख़त्म हो गई। तो पहले क्या था, आप एक चीज़ को, एक काम को, एक टाइम पर एक काम को ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक टाइम पर एक काम के साथ आप दूसरा काम भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा उसमें, समन्वय हो जाएगा। अब आप बाइक चलाते थे,
बाइक आपने चलाना अच्छी तरीके से सीख लिया, आपका कंट्रोल हो गया। पहले तो आप दोनों हाथों से बाइक चलाते हो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आपका बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अगर बाय चांस किसी का फ़ोन आ जाता है तो आप फ़ोन भी पिक कर सकते हो, तो उसमें क्या होगा, समन्वय स्थापित हो जाएगा। एक टाइम पर आप दो काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किचन में खाना ही बना रहे हैं, पहले क्या बस पूरा कॉन्सेंट्रेट आप खाने पर करते थे, लेकिन आप साथ साथ अब रोटियां भी पका लेते हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है, आपका कंट्रोल हो गया है उस चीज़ पर, आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो समन्वय में आएगा, एक टाइम पर एक से दो, एक से अधिक काम भी एक साथ आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है स्वाभाविक। इस स्तर में समन्वय करते करते एक समय ऐसा आता है कि समन्वय स्थापित करना आसान हो जाता है, विद्यार्थी आसानी से बिना ध्यान किए भी किसी काम को करते रहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, समन्वय स्थापित हो गया, आप काम को बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो, और यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट में, वो आपका स्वभाव बन जाएगा। फिर आपने कब चाबी उठाई, कब आप निकल पड़े, आपको पता ही नहीं है। आपने जो गलतियाँ पहले की थी, आप उन गलतियों की तरफ देखोगे भी नहीं, या फिर सोचोगे भी नहीं कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जब बाइक चलाना स्टार्ट किया था, फ़र्स्ट टाइम जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था, तो ये गलतियाँ मेरे से हुई थी। नहीं, क्योंकि वो आपका स्वभाव बन चुका है। आप डेली रूटीन में एक ही काम करते चले जाओगे तो वो आपका स्वभाव बन जाता है, ठीक है। फिर बिना गलतियों पर ध्यान दिए आप उस काम को अच्छी तरीके से कर लोगे। उसके बाद लास्ट में है, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर उस काम को आप कभी नहीं भूलोगे। अगर एक दो साल के बाद आप खाना बनाते हो तो खाना बनाना थोड़ी भूलोगे, आप बाइक चलाना थोड़ी भूलोगे, क्योंकि वो आपका स्वभाव बन चुका है, आपकी हैबिट बन चुकी है, ठीक है। ये थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के क्रियात्मक के पार्ट। क्योंकि क्रियात्मक में क्या होता है, हमारा दिमाग और जो हमारी स्किल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी स्किल्स होती हैं, हमारे हाथ पैर काम करते हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं वो साथ में काम करती हैं, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ मीनिंग और इसके सब पार्ट्स। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। ब्लूम के वर्गीकरण में ब्लूम ने छात्रों के ज्ञान एवं बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। वह छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक विकास पर अत्यधिक बल देते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष में आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइन ऐड कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे, आपकी लैंग्वेज में जो आपको आती हो वो आप निष्कर्ष में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थी ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारी कंप्लीट होती है आज। ज्ञानात्मक पक्ष हमने कर लिया है, भावात्मक और क्रियात्मक आज कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो दोनों वीडियो आप देख सकते हो चैनल पे जाके, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। ये थी आपकी पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस की, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो बस इतना ही। और लोगों, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।